पिलर नंबर 13 पे सुपरस्ट्रक्चर का काम को शुरू कर दिया गया है और मशीनों के द्वारा काम को किया जा रहा है। पानी निकाला जा रहा था ताकि काम को तेजी गति मिल सके। और देख सकते हैं मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज कुछ इस प्रकार से लगता हुआ काफी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज का आप लोगों को फिर से अपडेट देने के लिए आ गए हैं। और देख सकते हैं सिमरिया घाट की ओर अभी हम हैं और सिमरिया घाट की ओर से कुछ इस प्रकार से मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज देखने का लगता है और काफ़ी ही सुंदर तस्वीर देखने में लगेगा आप लोगों को। और बता दें कि अभी हम औंटा घाट की ओर भी चलेंगे, उधर से भी अपडेट देंगे कि वहाँ पे कितना काम हुआ है। और पिलर संख्या 13 पे जो है सुपर स्ट्रक्चर का काम को कर लिया गया है आधा, और आधा बस बचा हुआ है। उसके बाद जाके जो है पिलर नंबर 14 और जो है 12 और 11 पे काम होना है सुपर स्ट्रक्चर का। उसके बाद लगभग बता दें कि 90% काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मेरे इस पीआर सफर यूट्यूब चैनल पर आप सभी को नए नए अपडेट देखने के लिए मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि पिलर संख्या 13 पे जो है सुपर स्ट्रक्चर का काम को जो है किया जा रहा है। काफ़ी ही यहाँ पे मशीन आधुनिक, बता दें कि ये पूरा जो है ब्रिज मॉडर्न तरीके से बनाया जा रहा है और एशिया वाइडेस्ट गंगा ब्रिज अपना बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, जो कि पूरा इसको इसका जो है लंबाई होने वाला है 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज में टोटल पिलर ऑफ 17 होंगे, जो कि पिलर संख्या 13 पे जो है सुपर स्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है। और पिलर संख्या 1 से लेके जो है 9 तक जो है पूरा सुपर स्ट्रक्चर का काम को कंप्लीट कर लिया गया है। उसके बाद जो है पिलर संख्या 17 और 16 पे भी सुपर स्ट्रक्चर का काम देख सकते हैं किया गया है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो है पैरालाइट को ऊपर से जो है मशीनों के द्वारा ऊपर फिट किया जाता है पिलरों पे, उसके बाद जाके जो है सुपर स्ट्रक्चर से लॉन्च किया जाता है, तब जाके ये पूरा जो है ऐसा तस्वीर आप लोगों को कम्प्लीटली देखने के लिए मिलेगा। और ये जो पीला कलर का देख रहे हैं पैरेलर, ये पीले कलर का डाउन ग्राउंड काफ़ी ही सुंदर लग रहा है देखने में, तो राजेंद्र पुल के ऊपर से कुछ ऐसा लगता है। यहाँ पे आप लोग पिलरों की संख्याओं को गिन सकते हैं कि कितना पिलर पे काम हुआ है। ये मेरा गाड़ी देखिए कितना जो है गंदा हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे जो है गंगा जी का पानी जो है उसको निकाला जा रहा है ताकि काम को तेज़ी गति मिल सके और 2024 में इस मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज को आम पब्लिकों के लिए खोल दिया जाए, ऐसा जो बोला जा रहा है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन के मालिकों के द्वारा और नितिन गडकरी सड़क मंत्री के द्वारा भी ट्वीट किया गया था कि ये जो है एशिया वाइडेस्ट गंगा ब्रिज मोकामा 6 लेन गंगा ब्रिज को बनाया जा रहा है। इसके बन जाने से जो है उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी को काफ़ी ही मजबूती मिलने वाली है। तो जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ता है तो आप लोगों को मैं अपडेट के साथ जुड़ता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। यहां पे जो देख रहे हैं पानी जो है काफ़ी यहां पे भरा हुआ था, जो कि पानी निकाला गया है। ये देख सकते हैं पूरा जो है आधुनिक मशीनों के द्वारा जो है काम को किया जा रहा है और यहाँ पर जो है दिन रात जो मजदूरों के द्वारा काम को किया जाता है। दोपहर में बस धूप अधिक होने के कारण जो है काम को थोड़ा सा बंद किया जाता है। उसके बाद जो है जैसे ही शाम होती है, शाम में जो है काम काफ़ी तेज़ी गति पकड़ लेती है और सुबह में काम होती है। और उसके बाद जो है पिलरों के नीचे सुपर स्ट्रक्चर के नीचे जो है जो भी काम होता है उसको किया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग ये जो है नाव के द्वारा, अभी दोपहर का टाइम है तो अभी भी काम को किया जा रहा है। दोपहर में कभी कभी काम को रोक दिया जाता है, उसके बाद जाके यहाँ पे जो है क्योंकि काम को 2024 तक कंप्लीट भी करना है इसलिए काम को जो है तेज़ी गति से किया जा रहा है। हालांकि जो है काम ऐसा लग रहा है कि 2024 में कंप्लीट होगा तो नहीं, वैसे जैसे जैसे अपडेट आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलता रहेगा जैसे जैसे काम को आगे गति मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुपर स्ट्रक्चर को आधुनिक मशीनों के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है और नाव पर जो है जैसे कि मैंने पहले दिखाया था वो जो है पैरेट को लेके जाया जाता है, उसके बाद जाके सुपर स्ट्रक्चर को पिलर पे लॉन्च किया जाता है, तब जाके ये